नमस्कार, आप जगह राजधानी समाचार। बात की जाए सीहोर जिले की आष्टा विधानसभा के हम जाबर नगर परिषद में हैं और नगर परिषद के प्रतिनिधि के तौर पर मनोज वैद्य जी हमारे साथ हैं। लगातार क्षेत्र में काम भी कर रहे हैं और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी में काम करके आज अध्यक्ष भी प्रतिनिधि के तौर पर हैं। देखा जाए क्षेत्रीय विधायक ने क्या काम किया, क्या नहीं किया, किस प्रकार से क्षेत्र में क्षेत्रीय विधायक जी सक्रिय हैं कि नहीं, उनसे पूछेंगे हम अध्यक्ष जी से। कैसे देखते हैं रघुनाथ जी, मालवीय जी ने किस प्रकार से काम किया क्षेत्र में? देखिए, लगातार रघुनाथ मालवीय जी इस क्षेत्र के विधायक हैं। 2003 में भी उनको नेतृत्व करने का अवसर मिला था, तो लगातार क्षेत्र की जनता से जुड़कर सारी समस्याओं को हल किया है और अभी फिर से उनको अवसर मिला हुआ है तो लगातार क्षेत्र की जनता के लिए काम कर रहे हैं। जावल नगर में भी अभी हमने विशेष निधि माननीय विधायक जी के नेतृत्व में हम सीएम साहब से मिले थे और सीएम साहब के बाद फिर हम कार्तिक भैया चौहान जी से मिले और उन्होंने माननीय विधायक जी के द्वारा जो अनुशंसा की गई थी उससे हमको 1.5 करोड़ की राशि अभी विकास कार्य के लिए मिली है और जल्दी हमने उसका टेंडर भी कर दिए हैं और हम शमशान घाट और पुलिया और एक घाट है हमारा राम घाट जो मंदिर को बचाएगा, वैसे 3-4 काम हम करने वाले हैं। कैसे देखते हैं, इस साल चुनाव भी हैं और चुनावी स्थिति कैसे है क्षेत्र का माहौल इस बार? देखिए, ये क्षेत्र, ये विधानसभा, ये भाजपा का गढ़ है और निश्चित रूप से यहाँ पर जो भी काम माननीय विधायक जी कर रहे हैं उसका सीधा सीधा फायदा भाजपा को मिलने वाला है। देखा जाए तो कई जगह जा रहे हैं तो आरोप भी लगाती कांग्रेस पार्टी की काम नहीं किया, तमाम मुद्दे हैं, तो कैसे देखते हैं आरोप? देखिए, कांग्रेस पार्टी, आप जानते हैं कि इस मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी का पूरी तरह से सफाया हो गया है और चूंकि ये क्षेत्र लगातार भाजपा के विधायक यहाँ पर जीतते आ रहे हैं तो कांग्रेस तो चिड़ में इस तरह की बात करती है। कुछ और विशेष काम किए जावर में, जैसे नगर परिषद कोई भवन वगैरह या कोई और सीसी वगैरह जो आप बता सकें? देखिए, अभी हम लोगों ने विभिन्न कार्यों की DPR बना रखी है। हमने नगर परिषद भवन के लिए भी DPR तैयार कर ली है और भी बड़े काम जो जावर नगर के लिए हम कर सकते हैं मैं लगातार उसकी ओर बढ़ता जा रहा हूँ और बड़े हमारे जो अधिकारी हैं और हमारे जो नेता हैं वरिष्ठ वो लगातार हमें सपोर्ट कर रहे हैं कामों के लिए। कुछ स्टेडियम वगैरह है या स्कूल कॉलेज ऐसी बात? देखिए, अभी हमने 1 करोड़ के गार्डन की हमको सेंसन अभी मिला है और मैंने स्टेडियम की मांग की है माननीय कार्तिक चौहान जी से और उन्होंने आश्वासन दिया है कि जल्दी ही हम आपको क्रिकेट का स्टेडियम देंगे। मैं मानता हूँ कि भैया लगातार क्षेत्र की जनता की सेवा भी करते हैं और मेरे बात को उन्होंने माना और जल्दी माननीय विधायक जी और इनके नेतृत्व में फिर से मिलेंगे और स्टेडियम की मांग करेंगे। तमाम वो मुद्दे थे यहाँ क्षेत्र के विकास को लेकर जावर नगर परिषद के प्रतिनिधि के अध्यक्ष के तौर पर मनोज वैद्य जी ने तमाम वो जवाब दिए और क्षेत्रीय विधायक जी गए जो काम को लेकर चर्चा की उस पर भी जवाब दिए। राजधानी समाचार की रिपोर्ट, जावर नगर परिषद, आष्टा विधानसभा।